Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your activity period. And in today's activity, I'll tell you something about traffic rules. What is traffic light? What are the traffic rules that we have to follow? I'll explain you the traffic light, the red light, yellow light, green light, and the traffic rules which we should follow. Okay, so what is traffic light? Traffic light is a sign with three colors, red, yellow, green, where red means stop, yellow means look, and green means go. That is used for controlling the traffic where two or more roads meet. Traffic light kya hoti hai? Ek aisi light hoti hai जिसमें रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है एंड ग्रीन लाइट होती है. रेड लाइट का मतलब क्या होता है? स्टॉप. रेड लाइट का मतलब क्या होता है? स्टॉप. जब हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं ना, सिग्नल होता है, सिग्नल पे क्या करते हैं, जब रेड लाइट होती है तो हम सब क्या करते हैं? रुक जाते हैं, कोई आगे तो नहीं जाता है. देन येलो लाइट. येलो लाइट मीन्स लुक. येलो लाइट होती है तो हम लोग क्या करते हैं? आसपास देखते हैं, इधर उधर देखते हैं. एंड देन ग्रीन लाइट. ग्रीन लाइट का मतलब गो. ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? कि अब हम लोग जा सकते हैं. ऑल राइट. सो ट्रैफिक लाइट क्या होती है? ट्रैफिक लाइट इज अ साइन विद थ्री कलर्स दैट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक वेयर टू और मोर रोड्स मीट. जब दो और दो से ज्यादा रोड्स आपस में मीट करती है तो वहां पे क्या होती है? ट्रैफिक लाइट्स. किस लिए? वहां के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए. नाउ आई टेल यू सम ट्रैफिक रूल्स विच यू शुड फॉलो. अब मैं आपको क्या बताऊंगी? कुछ ट्रैफिक रूल्स बताऊंगी जो हमको फॉलो करने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट वन इज होल्ड हैंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. हमको क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करना चाहिए. हमको रोड पे किसी बड़े के साथ जाना चाहिए, और जब भी हम किसी बड़े के साथ जाते हैं तो हमको रोड क्रॉस कैसे करनी चाहिए? उनका हाथ पकड़ के. अकेले हमको कभी भी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए. सो द नेक्स्ट इज से नो टू रनिंग. से नो टू रनिंग. हमको रोड पे कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम रोड पे भागेंगे तो हमारे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है. राइट. सो सेकेंड रूल इज सेकेंड ट्रैफिक रूल इज से नो टू रनिंग. ओके, नाउ थर्ड रूल इज ऑलवेज लुक लेफ्ट और राइट. हमको कभी भी रोड पे जब भी हम जाते हैं, चाहे हम किसी व्हीकल पे हों या फिर हम ऐसे ही जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, तो हमको क्या करना चाहिए? हमेशा रोड पे चलते हुए अपने लेफ्ट और अपने राइट दोनों साइड्स देखना चाहिए कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कुछ चीज तो नहीं आ रही है जो हमें हर्ट कर सकती है. ओके, सो थर्ड रूल इज ऑलवेज लुक लेफ्ट और राइट. So the fourth rule is try to cross at the zebra crossing. Fourth rule is try to cross the road at the zebra crossing. हमको road कभी भी ऐसी beach road में cross नहीं करनी चाहिए. हमको हमेशा zebra crossing का use करना चाहिए road को cross करने के लिए. All right. So the fifth rule is aware of each traffic sign. हमें हर traffic sign से क्या रहना चाहिए? Aware होना चाहिए. रेड मीन्स, रेड लाइट मीन्स स्टॉप. येलो लाइट मीन्स स्टॉप, वॉच एंड बी सेफ. येलो लाइट का मीन्स क्या होता है? रुको, देखो और सेफ रहो. इट इज अ काइंड ऑफ वार्निंग दैट रेड लाइट इज अबाउट टू अपेयर सून. येलो लाइट क्या होती है? एक वार्निंग होती है कि रेड लाइट अब कभी भी हो जाएगी. ओके, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो. ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? गो, कि मतलब अब हम जा सकते हैं. Sixth rule is always walk on the pavement. Sixth rule is always walk on the pavement. Now what is pavement? Pavement क्या होता है? आप लोगों ने देखा है जब हम रोड पे जाते हैं तो रोड के लेफ्ट साइड में एक व्हाइट कलर की लाइन होती है. वो व्हाइट कलर की लाइन के लेफ्ट साइड में हम लोगों को क्या करना होता है? चलना होता है. वो किस लिए होती है? जो लोग वॉक करते हैं या जो लोग मतलब बिना व्हीकल के पैदल जा रहे होते हैं, वो लाइन किसके लिए होती है? उन लोगों के लिए. लोगों को कहाँ चलना चाहिए? उस व्हाइट लाइन के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए हमेशा. ओके, सो सिक्स्थ रूल इज ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. सेवेंथ रूल इज कन्फ्रंट द ट्रैफिक.
सेवेंथ रूल क्या है, कन्फ्रंट द ट्रैफिक। हमको हमेशा क्या करना चाहिए, ट्रैफिक का ध्यान रखना चाहिए, हमको हमेशा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल कभी भी कहीं से भी आ सकता है और हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए हमको हमेशा सेफली हर जगह लेफ्ट राइट देख के तब चलना चाहिए। ऑल राइट, नाउ एट्थ रूल इज प्ले विद इन बाउंड्रीज। एट्थ रूल इज प्ले विद इन बाउंड्रीज। सो एट्थ रूल का मतलब क्या है, हम जैसे खेलते हैं, हम कभी कभार रोड्स के साइड में भी खेलते हैं ना, जैसे पार्क होता है, उस पार्क में फेंसिंग नहीं हुई होती है, तो हमको हमेशा बाउंड्रीज के अंदर खेलना चाहिए, हमको कभी भी रोड पे आके नहीं खेलना चाहिए, हमको हमेशा कहाँ खेलना चाहिए, एक सेफ प्लेस पे खेलना चाहिए। ओके, सो एट्थ रूल इज प्ले विद इन बाउंड्रीज। ओके, सो नाइन्थ रूल इज वेयर अ हेलमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमको हमेशा क्या वेयर करना चाहिए, एक हेलमेट वेयर करना चाहिए। जब भी हम कोई व्हीकल से जा रहे हैं तो हमको, टू व्हीलर से जा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, एक हेलमेट वेयर करना चाहिए। कभी भी हम साइकिलिंग करते हैं तो हम रोड पे, अगर हम कभी साइकिलिंग करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, एक हेलमेट वेयर करना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेयर अ हेलमेट। सो द टेंथ एंड द लास्ट ट्रैफिक रूल इज बी सेफ देन फील सॉरी। बी सेफ देन फील सॉरी। सो इसका मतलब क्या हुआ, बी सेफ देन फील सॉरी, इसका मतलब हुआ है कि हमको पहले से ही सेफली हर जगह जाना चाहिए, इसके इसके बजाय कि हम बाद में सॉरी फील करें। हमको हमेशा पहले ही सेफ चलना, सेफ साइड चलना चाहिए, ताकि हम बाद में कभी भी सॉरी फील ना करें। ऑल राइट, सो दीज आर सम ट्रैफिक रूल्स दैट वी मस्ट हैव टू फॉलो। मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ और सारे ट्रैफिक रूल्स जो जो हमने अभी समझे हैं। सो फर्स्ट इज होल्ड हैंड्स वाइल क्रॉसिंग द रोड। होल्ड हैंड्स वाइल क्रॉसिंग द रोड। सेकेंड इज से नो टू रनिंग। से नो टू रनिंग। थर्ड वन इज ऑलवेज लुक लेफ्ट और राइट। थर्ड वन इज ऑलवेज लुक लेफ्ट और राइट। फोर्थ वन इज ट्राई टू क्रॉस एट द जेब्रा क्रॉसिंग। फोर्थ वन इज ट्राई टू क्रॉस एट द जेब्रा क्रॉसिंग। फिफ्थ वन इज अवेयर ऑफ ईच ट्रैफिक साइन। सो रेड मीन्स स्टॉप। रिपीट आफ्टर मी, रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स वॉच एंड ग्रीन मीन्स गो। सो फिफ्थ रूल इज ऑल अवेयर ऑफ ईच ट्रैफिक साइन। ओके, सिक्स्थ रूल इज ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट्स। ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट्स। सेवेंथ रूल इज कन्फ्रंट द ट्रैफिक। सेवेंथ रूल इज कन्फ्रंट द ट्रैफिक। एट्थ रूल इज प्ले विद इन बाउंड्रीज। एट्थ रूल इज प्ले विद इन बाउंड्रीज। नाइन्थ रूल इज वेयर अ हेलमेट। वेयर अ हेलमेट। एंड टेंथ रूल इज बी सेफ देन फील सॉरी। बी सेफ देन फील सॉरी। नाउ वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ ब्यूटिफुल ट्रैफिक लाइट। यूज वॉटर कलर्स। फर्स्ट यू हैव टू मेक अ ट्रैफिक लाइट, देन कलर इट प्रॉपरली। यूज वॉटर कलर्स, यूज क्रेयॉन्स, एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेन वॉट ईच लाइट मीन्स। हर लाइट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अच्छी सी प्यारी सी एक ब्यूटीफुल सी ट्रैफिक लाइट आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें कलर करेंगे बहुत ब्यूटीफुली। आप सबको उसमें कलर करना है, वाटर कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्रेयॉन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एक वीडियो बनानी है और हर लाइट को एक्सप्लेन करना है कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है, येलो लाइट का मतलब क्या होता है, एंड ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है। ओके, सो शो योर क्रिएटिविटी चिल्ड्रन, दिस इज द टाइम। सो द बेस्ट ट्रैफिक लाइट विल बी अपलोडेड ऑन आर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस। ओके, सो ट्राई टू डू योर बेस्ट चिल्ड्रन। ओके, सो दैट वॉज इट, दिस इज आर एक्टिविटी। सो डू योर बेस्ट, शो सम क्रिएटिविटी, एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।